तुमने अपना फेस दिखाया कभी उसको? कुछ वीडियोस में है दो चार। अच्छा, आज तक फेस नहीं दिखाया है। ठीक ठीक ठीक, चलो इसी बारे फेस दीजिएगा तुम्हारा। जी सर। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और ये देखिए, आज हमारे साथ जो है वो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, और ये किसी काम से आए थे यहाँ बरेली में, और इन्हें आना था डायरेक्ट स्कूल के पास ही, तो इन्होंने कॉल किया और फिर हमने सोचा कि मिलते हैं। तो फर्स्ट ईयर से ही जुड़े हुए हैं, और इनका अपना खुद का भी एक चैनल है स्टडी सक्सेसफुल के नाम से। जी, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है वो जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसका आप लोग जरूर विजिट करिएगा। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि ये कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने अभी अपने चैनल पे एक दो वीडियोस में ही फेस दिखाया जैसा बता रहे हैं, और ज्यादा फेस नहीं दिखाया है। तो आइए इनसे ही जानते हैं कि इनका परिचय। इनका पूरा नाम अजय प्रजापति है, और ये पीलीभीत में फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। तो अजय, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल में। सर, मेरा नाम अजय प्रजापति है, और मैंने अपना 10th 12th है वो अपने गांव के कॉलेज से किया था। उसके बाद पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत में इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिली, उसके बाद मैं वहीं पर पढ़ाई कर रहा हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम में, फिफ्थ सेमेस्टर में। 12th का सेक्शन में किया था? 12th हमने 2020 में किया था। अच्छा, और 2020 के बाद उसी साल पॉलिटेक्निक में एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसी में एडमिशन हो। ठीक, और फिर इस टाइम पे फिफ्थ सेमेस्टर है? जी जी सर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में कुछ परसेंटेज वगैरह कितने की बनी है? फर्स्ट ईयर में हमारा आया था 77%। अच्छा, कोई बैंक वगैरह थी? नो बैंक। बहुत अच्छी बात है। और सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में थोड़ा कम हो गया सर, 72 बना। अच्छा अच्छा, और बैंक वगैरह? नो बैंक। ठीक, ये बहुत अच्छी बात है कि और जो ये चैनल शुरू किया था, ये पॉलिटेक्निक में आने के बाद शुरू किया या उससे पहले? जी सर, पॉलिटेक्निक में आने के बाद स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, और मतलब कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं आपके चैनल पे? इस समय तो सर 11.8 के हो चुके हैं, लगभग 12,000 होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, एक साल के अंदर, डेढ़ साल के अंदर इन्होंने ग्रोथ कर ली है। कितना टाइम देते हैं आप YouTube को? बस 2-3 घंटे सर, वैसे तो देखा कॉलेज में रखो, आना जाना रेगुलर कॉलेज जाना रहता है। अच्छा, बीच में एक आध दिन छुट्टी वगैरह भी हो जाती है। तो मतलब इससे पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं सर, उसके लिए 2-3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल लेते हैं कॉलेज से आते वक्त, या फिर घर आके 2 घंटे निकाल लिए, वीडियोस वगैरह शूट कर लिए इस तरीके से। जैसे कि मैं वीडियो में भी इनके देखे हैं कुछ वीडियो, तो इनके वीडियोस में एक ही वीडियो में 4-4, 5-5 तरह की इंफॉर्मेशन पूरा कलेक्ट करके ये बता देते हैं, और थंबनेल में भी काफी कुछ मेहनत करते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर भी डालने की कोशिश करते हैं। तो अच्छी बात है कि ये मतलब एक तरह से थोड़ा सा अर्निंग भी हो जाती है। जी सर, काफी अच्छी अर्निंग हो जाती है। बिल्कुल, तो साथ में एक मतलब साइड बिजनेस टाइप से आप भी कह सकते हैं, एक हेल्प हो जाती है। और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चैनल चला रहे हैं। अच्छा, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, क्या करना चाहेंगे आगे? फ्यूचर प्लान्स सर, वैसे तो हमारा टारगेट है APBCL JEE में, मतलब गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। मतलब उसकी तैयारी सर चल रही है प्रॉपर। अच्छा अच्छा, देखना ये है, वैसे तो प्लेसमेंट कॉलेज तो हो ही जाता है। अब देखना ये आगे क्या होगा फिलहाल तैयारी। कोई कोचिंग वगैरह भी ज्वाइन करी है या फिर? कोचिंग नहीं सर, वैसे यूट्यूब से ऑनलाइन वगैरह पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मतलब पर्टिकुलर चैनल वगैरह बताना चाहे जिससे कि आप पढ़ते हो? मतलब ऑनलाइन सर्च करके देख लेते हैं। अच्छा अच्छा, चैनल नहीं सर। अच्छा अच्छा, मतलब कोई टॉपिक वाइज सर्च करते हैं। जी सर, कुछ जो टॉपिक जहां से भी मिल जाए तो उसके नोट्स वगैरह बना लेते हैं। जी सर। और ये आजकल जो ये बच्चों में ट्रेंड चला हुआ है कि PDF स्टोर करके रख ली, नोट्स नहीं बनाते, तो आप भी क्या इसी तरह से पढ़ाई? नहीं सर, मैं तो प्रॉपर नोट्स बनाता हूँ, और जो PDF के चक्कर में घुमा है, देखा बहुत से लोग कहते हैं सर PDF दे दीजिए, PDF दे दीजिए, तो प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो आपके दिमाग में वो स्टोरेज हो जाएगी वो चीज। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है कि आपको मतलब PDF के चक्कर में ना पड़ के अपने हाथ से रिटेन करके नोट्स बनाना चाहिए, जिससे आपको मेमोरी में फिट हो जाती है वो चीज। बिल्कुल यही बात। देखिए बच्चों, मैं आपसे भी कहता रहता हूँ कि हमारा जो दिमाग है वो उसी तरह से सीखता है जैसा कि पहले से सीखता आ रहा है, हमारे दिमाग में कोई बदलाव नहीं आया है, बदलाव केवल टेक्नोलॉजी में आया है, कंप्यूटर में आया है, मोबाइल में आया है। आप PDF की 36 कॉपी बना के रख लीजिए मोबाइल में और उस कंप्यूटर में, इससे कंप्यूटर की मेमोरी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी में जत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा,
अगर आपको अपने दिमाग को समझाना है तो वही पुराने तरीके आपको लेने होंगे जिनसे कि दिमाग पहले समझता था, मतलब उसको आप पहले पढ़िए सुनिए उसके बाद लिखिए अपने हाथों से फिर रिवाइज करिए। यही केवल एकमात्र तरीका है चीज़ों को मेमोराइज करने का या फिर समझ चुके और याद रख पाने का। अदरवाइज आप डायरेक्ट मॉडल पेपर से या कुछ भी या पीडीएफ से पढ़ेंगे तो 10 दिन बाद दो दिन बाद ही वो आपको आप देखेंगे कि आपको याद नहीं रहेगा। और एग्जाम आप लोगों के भी आ गए हैं, इनके भी एग्जाम है, सबके लिए मैं यही कहूँगा कि अब मतलब सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लें, यानी फेसबुक और ये जो चीज़ें इंस्टाग्राम ये इनका कोई फायदा नहीं है, इंस्टाग्राम का फेसबुक का इन सब का कोई फायदा नहीं है। व्हाट्सएप भी आप इतना रखिए कि जो काम की चीजें हैं आपकी, जैसे मतलब कोई इंफॉर्मेशन मिलनी है ना, जैसे कुछ चैनल्स हैं जो इंफॉर्मेशन देंगे आपको या स्टडी चैनल्स, इनसे ही वास्ता रखिए बस। आप एक दो महीने इन सबको भूल जाइए और पढ़ाई भी पूरी तरह लग जाइए। देखिए 24 घंटे बहुत दिए हैं भगवान ने, 24 घंटे में से आप अगर 6 घंटे या 5 घंटे सोएंगे तो दो महीने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाकी टाइम आप जो है वो पढ़ाई पे लगा दीजिए पूरी तरह से। हर सब्जेक्ट के लिए दो दो घंटे, 4 या 5 तो सब्जेक्ट होते हैं कुल मिला के, तो हर एक को दो दो घंटे दीजिए, आप देखेंगे हफ्ते भर में आप सिलेबस को कहाँ से कहाँ पहुँचा लोगे, बस लगन की कमी लगे। तो ठीक है फिर, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आए और इन्होंने कॉल करी, और पहले तो ये केवल ऑनलाइन ही कॉन्टेक्ट में थे लेकिन आज ये फिजिकली मुझसे मिले आकर के और हमारे रूम में ही ये कॉलेज में बैठे हैं इस टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और अगर आप लोग भी कभी आए तो जरूर मिले मुझसे। तो अजय फिर वीडियो में आने के लिए धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, आपको बुलाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।